इसके बाद प्रेरणा ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी कर ली। उम्मीद तो यही थी कि ये आगे जाकर काफी काम आएगी, पर बाद में पता चला कि बाजारीकरण के इस दौर में इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। प्रेरणा की और पढ़ाई करने की इच्छा थी, पर परिवेश इतना अनुकूल नहीं था। फिर प्रेरणा का मन भी बटा बटा रहता था। मेरे जीवन में प्रेरणा के साथ साथ और भी सब कुछ था। अपने बच्चे थे, सहयोगिनी व मृदुभाषी पत्नी थी, माता पिता की जिम्मेदारी, छोटे भाई को भी साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी, चारों तरफ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां थी। फिर भी प्रेरणा को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रावास भेज दिया। सोचा, अगर प्रेरणा संभलती है तो मैं ही संभलता हूँ। प्रेरणा खुश है तो समझो मैं भी खुश हूँ। पर समय कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता, बल्कि हमें ही अपने हिसाब से चलाता है। समय के साथ साथ कदम ताल करने में ही हमारा हित है। पिताजी वृद्धावस्था को ढो रहे थे। ढोना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर बीमार रहने लगे थे। काफ़ी सारा इलाज करवाने के बावजूद भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा था। लगातार 7-8 महीने बीमार चलते चलते हो गए थे। बीमारी से ग्रस्त रहने के बावजूद भी पिताजी हिम्मती बहुत थे। उनकी आखिरी इच्छा गांव में रहने की थी, बचपन के हर संगी साथी से मिलने की थी। इसलिए पिताजी गांव में चले गए, साथ में माताजी और छोटा भाई भी। कुछ दिन बाद ही पिताजी महाप्रयाण कर गए। पिताजी के चले जाने से सब कुछ तहस नहस हो गया, सब सपने उजड़ गए, साथ छूटा, स्थान छूटा। कोई भी विपत्ति कभी अकेले नहीं आती है, अनेक विपत्तियों को अपने साथ लाती है। विपत्तियों का स्थान बदली हो सकता है, रूप बदल सकता है, पर विपत्तियों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। विपत्तियों का स्वभाव है हलचल पैदा करना, सहज चली आ रही जीवन धारा को एकाएक मोड़ देना। वह मोड़ सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। प्रेरणा के साथ भी ऐसा ही हुआ। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक अनजाने युवक के हाथों में प्रेरणा का हाथ सौंपकर मैंने भी पितृधर्म का पालन किया, मगर सब कुछ एकाएक हो गया। प्रेरणा में न अभी वे भावनाएं थी जिनमें वह बंध गई, और न ही अपने आप को उसके लिए तैयार किया था। विद्यार्थी जीवन से प्रेरणा को बड़ी आशाएं थी कि शायद सुशिक्षित होकर उसका जीवन भी एकाएक बदल जाएगा। जीवन तो अवश्य बदल गया, पर विवाह बंधन में बंध कर। प्रेरणा ने जल्दी ही खुद को अपने ससुराल में भी उनके ही हिसाब से खुद को ढाल लिया। प्रेरणा जैसी कितनी ही लड़कियां हैं जो नियति का शिकार होकर अपने उद्देश्य को नहीं पा सकती। हमारे समाज की तो एक ही घिसी-पिटी मानसिकता है कि लड़की के जीवन का तो एक ही लक्ष्य है, और वह है ससुराल जाकर बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, पति, सास और ससुर की सेवा करना, जो लकीर खींच दी उसी पर चलना। इसी में कन्या की भलाई है। कितने ही ऐसे भाई हैं जो अपनी मजबूरियों के चलते अपने कर्तव्य को बीच में ही छोड़कर अपने उत्तरदायित्व से हाथ जोड़ लेते हैं, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। काश दुनिया का कोई भी भाई असमर्थ न हो, हर भाई समर्थ हो, ताकि बहन पर कोई भी विपत्ति आए तो सबसे आगे खड़ा हो, विपत्ति उससे टकरा कर ही बहन को छू पाए। काश हर बहन अपने भाई या माता पिता के मनोभावों को समझ सके कि वे उसे जीवन में कितना उच्च देखना चाहते हैं। आओ हम जीवन के इन झंझावातों से मिलकर लड़ें, इनको पूरी शक्ति से परास्त करें। आओ मिलकर विनती करें प्रभु से कि मातृशक्ति कभी परास्त न हो, उसका स्थान हमेशा उच्च हो। हम सभी उस शक्ति का कभी निरादर न करें जो हमारी बहन, बेटी, माँ, पत्नी, दोस्त, कुछ भी हो सकती है। आओ मिलकर ऋषियों के इस वचन को यथार्थ में ढालें कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। अर्थात जहाँ मातृशक्ति का अर्थात नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ कहीं भी इनका अनादर होता है वहाँ सभी कार्य असफल होते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और यदि कहानी को आप पसंद करते हैं तो अधिकाधिक इसे शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ आपसे मिलना होगा।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।